अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, खास तौर पर इंडिया के लोगों के लिए और खास तौर पर जो लोग वहां पे जो कोविडशील्ड वैक्सीन लेके आ रहे हैं या फिर कोविडशील्ड हो उसे दोस्तों बहुत सारा नाम दिया गया। ऑक्सफोर्ड भी वैक्सीन कहा गया है, कोविडशील्ड वैक्सीन भी कहा गया है, एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन भी कहा गया है। तो उन लोगों के लिए काफी बड़ी खबर आपको मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी और हो सकता है आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों खबर जो आ रही है कतर के एमओआई की तरफ से, एमओएच की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कल के दिन ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो लोग भी एक्स्ट्राजेनेका, कोविडशील्ड, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो भी लेके आ रहे हैं जिस देश से भी, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, तो ये वैक्सीन दोस्तों सभी अप्रूव्ड है, आपको पता है। तो ये वैक्सीन जो भी लेकर आ रहे हैं जिनका ये वैक्सीन लिए हुए 6 महीना गुजर चुका है, दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जो वैक्सीन जिनका वैक्सीन लिए हुए 6 महीना गुजर चुका है, तो जो लोग भी कुवैत में आएंगे तो उनको आने के बाद वहां पे अब बूस्टर डोज दिया जाएगा, यानी दोस्तों तीसरा डोज। अगर तीसरा डोज जो होगा वो होगा पाइफाइजर। तो दोस्तों यदि आप आने वाले हैं कुवैत में, यदि आपने वैक्सीन ले रखा है कोविडशील्ड, यदि आप इंडिया से हैं या फिर किसी भी देश से हैं, तो यदि आपका वैक्सीन लिए हुए 6 महीना कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है तो कुवैत अब जैसे ही आप आओगे तो आपको तीसरा डोज आपको दिया जाएगा जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है, और ये दोस्तों 1 महीने के अंदर ही आपको दे दिया जाएगा और पाइफाइजर वैक्सीन आपको दिया जाएगा। तो ये न्यूज जो दोस्तों ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया एमओएच की तरफ से, तो आप लोग जब भी जाइएगा आप कुवैत तो आप बूस्टर डोज के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, या फिर यदि आप कुवैत में भी मौजूद हो तो भी आपको बूस्टर डोज अब दिया जाएगा, इसके लिए दोस्तों वहां पर मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर साथियों जो आ रही दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, ये भी मैं बताने वाला हूं। साथियों कुवैत में एमओआई की तरफ से ये बताया गया है कि कुवैत में ब्रोकर सिस्टम बहुत ही ज्यादा है, यानी एजेंट वगैरह बहुत ही ज्यादा है। लोग वहां पे जो वीजा लेके जाते हैं, कोई नए लोग वहां पे जाते हैं, तो यदि उनकी सैलरी कम मिलती है तो उन लोगों को वहां पे लालच ये दिया जाता है कि आप मुझे 50 KD 100 KD दीजिए तो मैं आपका नौकरी जो है इस कंपनी में लगा दूंगा और सैलरी आपका इतना बढ़ जाएगा, इतना सैलरी आपकी रहेगी। तो इस लालच की वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं, खास करके नए लोग जो कुवैत में नए नए लोग जाते हैं और अभी जाने वाले भी हैं, बहुत सारे लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि कुवैत जाएंगे, तो वो लोग को लालच दिया जाता है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, मिला जाता है और 100 KD 50 KD ले लिया जाता है, और बाद में दोस्तों उन लोगों को सारा पैसा वो लोग खा जाते हैं और उनको नंबर भी हटा देते हैं और नंबर भी बंद कर देते हैं। तो ये सब चक्करों में एमओआई की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल भी ना पड़े, जो लोग भी अब कुवैत अभी आने वाले हैं या जो लोग कुवैत में रह रहे हैं तो ज्यादा पैसे के लालच में ये सब चक्करों में ना पड़े। ये लोग ब्रोकर जो होते हैं वो ये सभी के सभी ठगी होते हैं, सारा पैसा आप लोगों का खा जाएगा, सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। तो आप बिल्कुल दोस्तों जब भी जाइएगा कुवैत में सावधान रहिएगा ये सबसे। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।